नमस्कार, स्वागत है आपका MSIV न्यूज में। जिला सिरमौर के उपमंडल संगाड़ के अंतर्गत आने वाले नोहराधार के समीप 1200 बीघा भूमि पर प्रस्तावित व्हाइट सीमेंट की माइन व कारखाने के लिए SDM संगाड़ की अध्यक्षता वाली टीम द्वारा जमीन का निरीक्षण किया गया। पेश है संगाड़ से विजय आजाद की रिपोर्ट। भाजपा रेणुका जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा जी से नौराधार में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट और माइन को लेके, जो करीब 1200 बीघा में चलने वाला है ये प्लांट और ये माइन, तो विजेंद्र जी से हम बात करेंगे भाई, क्या फायदे होंगे इसकी या क्या सोचते हैं लोग इस प्लांट को लेके, तो बताएंगे विजेंद्र जी भाई क्या बेनिफिट होंगे इस सीमेंट प्लांट के चलने से, व्हाइट सीमेंट का अगर चलता है नौराधार में तो। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको बड़ा भारी बेनिफिट होने जा रहा है। अगर वो प्लांट लगता है तो उससे कम से कम 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, तो आपको दूसरा विकास को लेके क्या लगता है भाई? जैसे अभी तक कोई इंडस्ट्री नहीं है इस एरिया में और अल्प विकसित या दुर्गम क्षेत्र है ये, और यहाँ पे अगर इस तरह की फैक्ट्री लगने से कुछ और भी फायदे होंगे, तो ऐसा लगता है आपको कुछ होगा इससे? हाँ, अगर अब वहाँ फैक्ट्री लगती तो कम से कम लोगों को जो रोजगार, आप रोजगार के लिए जो दाएं बाएं लोग जा रहे हैं, कोई बद्दी जा रहा है, कोई पोंटा जा रहा है, वो अपने घर बैठे उनको रोजगार मिल जाएगा। जी, और दूसरा इसके अलावा जैसे जमीन को लेके है, कुछ लोग एग्री है और ऐसा बताया जा रहा है भी कुछ लोग जमीन की जो अभी रेट दिए जा रही है, लीज पे ली जा रही है, उस बात को लेके सहमत नहीं है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि रेट तो कम से कम सरकार जो ठीक रेट मिले लोगों को, तभी फायदा है लोगों का जमीन देने का भी है, क्योंकि आजकल जमीनों के जो रेट है बहुत हाई रेट है। हाँ, और जैसे नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जो लोगों का सुना है, जो कह रहे हैं लोग भी, उसके मुताबिक मिलने चाहिए रेट। हाँ, उसके मुताबिक जो जैसे डैम में लोगों को पैसा मिला है, ऐसे ही हम चाहेंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि उनको भी उस तरह से पैसा मिलना अच्छा चाहिए, मुआवजा या कीमत अच्छा मिले मुआवजा जमीन। मिलना चाहिए। तो इनके अलावा जगत भलाड़ी जी भी है जो रेणुका जी भाजपा के महासचिव है, तो इनसे भी इनकी भी राय लेते हैं इसको लेके भी, सीमेंट प्लांट को लेके क्या विचार है इनके? बिल्कुल, सीमेंट प्लांट लगना ही चाहिए, और हम भी सरकार से, रेणुका मंडल इस मांग करेगा कि इसको जितना शीघ्र अति शीघ्र शुरू किया जा सकता है शुरू करें, बशर्ते जमीन के अच्छे रेट मिलने चाहिए और रोजगार मिलना है। ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है रेणुका कंस्टिट्यूंसी के लिए कि कब लगभग 1200 नौजवानों को रोजगार मिलना है, ये एक बहुत ही जबरदस्त क्या कहते हैं वह है हमारे पास उपलब्धि है रेणुका वालों के लिए। अच्छा जी, तो इसके अलावा जैसे रेणुका डैम का भी चल रहा है, उसमें भी बताते हैं भी रोजगार मिलेगा, तो ये दूसरी चीज होगी जो रेणुका डैम से भी शायद ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिले, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रेणुका कंजोज के लिए। इसके अलावा सरकार से हम भी डिमांड करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी शुरू करें। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार के लिए जो हमारा जो नेशनल हाईवे बन रहा है, उसमें भी कई लोगों को रोजगार बन रहा है। जो आपका सोलन मिनेस रोड है, उसकी DPR बन चुकी है, और जो रेणुका वाला रोड है, इस पे भी तुरंत काम शुरू होने जा रहा है। इससे भी आप रोजगार बढ़ेगा। हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी जयराम जी का, जिन्होंने की है मुद्दा बड़ी प्राथमिकता के आधार पे लिया है, तो हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे ये चार NH होंगे, संगड़ा से होकर है, नौराधार से होकर है और रेणुका जी से होकर, इस इलाके में जो चार नए NH होंगे, तो इससे इस प्लांट को भी फायदा होगा, सीमेंट की जो फैक्ट्री लगनी है? बिल्कुल सर, इससे भी इसमें बड़ा भारी फायदा होगा, क्योंकि जो गाड़ियां हमारी इधर से नहाने के लिए जानी है और कहीं भी अगर सीमेंट छोड़ना है, तो कम से कम अगर रोड अच्छा आएगा तो उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपको क्या लगता है क्या फायदे होंगे लोगों को इसके अलावा? इसके अलावा हमारा जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इसमें टूरिस्ट आएगा, लोगों का जो अपना कोई भी अपना छोटा मोटा बिजनेस चला सकता है, कोई आप ढाबा खोल सकता है, होटल पर्पज से भी है, आप टूरिज्म के हिसाब से ही बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बाहर से यहाँ आने के लिए लोग डरते हैं क्योंकि रोड थोड़ा तंग है। तो सीमेंट प्लांट में भी ये चीजें होगी जो इनडायरेक्ट रोजगार की आप बात कर रहे हैं, किसी की गाड़ियां चलेगी या ढाबे चलेंगे वहां पे। सीमेंट, अगर सीमेंट का प्लांट खुलता है तो इससे भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई Thank you.